गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। दोस्तों, इससे पहले के हमारे जो सेशन रहे हैं शेयर एकेडमी के और निवेश के आसान नियम, जो एक हम ये सीरीज चला रहे थे, इस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हम दो वीडियोस लेकर आए। सबसे पहली थी वॉरेन बफे सर के ज़िंदगी के जो निवेश के आसान नियम थे, जिनमें टोटल 6 नियम थे, और उसके बाद हम लेकर आए रामदेव अग्रवाल जी के, और आप सबने यही पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला आप सबकी तरफ से। और स्पेशली जो करंट मार्केट है, गिरती हुई मार्केट है, बेयरिश है, और एक चीज़ जिसके बारे में इस समय मार्केट में कोई भी बात नहीं कर रहा वो है इंटरनेशनल क्यूज़ भी ख़राब हो रहे हैं मार्केट के। सो ऐसे समय में इन मार्केट गुरुओं की जो बातें हैं वो कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं, बजाय उस समय के जबकि मार्केट के अंदर यूफोरिया होता है और हर कोई आंख बंद कर कोई भी शेयर खरीद रहा होता है। बेसिकली ये वो समय है कि जब बॉयज़ मेन से अलग होते हैं, पानी जब उतर रहा होता है समुंदर का, तभी पता चलता है कि असली तैराक कौन है। सो इस गिरती मार्केट में जबकि सब कुछ गिर रहा है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC जैसे दिग्गज गिर रहे हैं, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स गिर रहे हैं, इस मार्केट में मार्केट गुरुओं की सलाह साथ ही साथ निवेश के उनके नियम कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं बजाय किसी और समय के। इसीलिए आज जो हम सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, ये है निवेश के आसान नियम सीरीज़ का तीसरा वीडियो, बेहद शानदार है। इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियोज़ न केवल आपके अंदर निवेश की एक सही समझ पैदा करने में मददगार होते हैं, बल्कि जब मार्केट में ख़राब समय चल रहा हो और आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म न करे, तब ये मार्केट के बारे में आपको एक बेहतर राय देने में साथ ही साथ आपका हौसला बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ये आपको ये बताते हैं कि इस तरह के समय मार्केट में हमेशा से आते रहे हैं। आज जिस मार्केट गुरु की कहानी हम लेकर आए हैं और जिनके निवेश के नियम हम लेकर आए हैं, वो हैं विशाल खंडेलवाल। निवेश की दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा भी समय देता है तो इस नाम से वो अपरिचित नहीं होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले विशाल खंडेलवाल जी की जो इनिशियल स्टडीज़ थी वो शुरू हुई मुंबई के चौल एरिया में। जी हाँ, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे इनके पास उस समय। सो इनका कहना था कि फूड से ज़्यादा पैसे ये खर्च करते थे बुक्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और भविष्य में कुछ कर सकें। अपनी जॉब को मिड सेमेस्टर के अंदर ही छोड़ दिया इन्होंने, बीच समय में ही, और उसकी वजह यह थी कि एक निवेशक के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहला घर जब इनका पूरी तरह से डेट फ्री हो गया तो उसी समय इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, और जो इनका पैशन था वो था मार्केट के बारे में लोगों को जागरूक करना, निवेश की सही सलाह देना और पैसा कैसे बने, इससे ज़्यादा लोगों को ये सिखाना कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे न गंवाया जाए। मार्केट गुरु विशाल खंडेलवाल की जो भी निवेश की टिप्स हैं, इन्हें सीखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादातर निवेश गुरुज आपको ये बताते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाए, जबकि ये इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे ना गंवाया जाए। बिकॉज इट हैज़ बीन सेड दैट अ पेनी सेव्ड इज टू पेनीज अर्न। तो जितना आप मार्केट के अंदर पैसा बचाएंगे, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने कहा था कि अगर मार्केट में आपके पास में पैसा है, अगर मूल बचा हुआ है, तो 10 से 100 हो सकता है, आपको जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस नियम को अगर आप ध्यान रखते हैं और उस नियम के लिए अगर आप किसी की मदद चाहते हैं, तो वो मदद आपको सिर्फ और सिर्फ विशाल खंडेलवाल जी के पास से मिल सकती है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस जर्नी को, बेहद शानदार होने वाली है जर्नी, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा इस पूरे सेशन को। सिर्फ 6 लर्निंग्स मिलेंगी आपको इनकी पूरी ज़िंदगी से, जो कि निवेश के तौर पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, विशाल खंडेलवाल जी ने सफल निवेशक नाम की एक वेबसाइट शुरू की है, आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे स्टडी पेपर्स मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेगा, जो आपको एक अच्छे निवेशक के तौर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं इस जर्नी को, नाम है निवेश के आसान नियम, विशाल खंडेलवाल मार्केट गुरु के साथ में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ विशाल खंडेलवाल जी जिस पर जोर देते हैं वो है डेट फ्री होना।
किसी भी कंपनी का डेट फ्री होना, ये कहते हैं ये सबसे पहला नियम है अगर आप किसी भी कंपनी में खरीदारी करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर इतिहास उठाकर आप देखिए, जब से मार्केट शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा परेशानी रही, जो कंपनियां बैंकरप्ट हुई, एनसीएलटी में गई, बंद हो गई, हर एक कंपनी के पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या उनका डेट ही है। ज़रा ध्यान से सुनिए, जेट एयरवेज, लेटेस्ट जो जेट एयरवेज के अंदर प्रॉब्लम आई, इसकी मेन वजह थी जेट एयरवेज ने जब एयर सहारा को खरीदा और उसके लिए 7,500 करोड़ रुपए के करीब डेट लेना पड़ा। सेकंड, किंगफिशर एयरलाइंस, किसी से छुपा नहीं है कि कंपनी के अंदर होने वाले डेट की वजह से ही कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, 9,500 करोड़ का। आरकॉम, डेट की वजह से ही कंपनी डूबी। जेपी एसोसिएट्स, यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा टेंडर लेने की वजह से जेपी एसोसिएट्स के ऊपर डेट बहुत ज्यादा हुआ और कंपनी की हालत खराब हुई। सुजुलॉन, कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए आप, जब जब डेट बढ़ा है किसी भी कंपनी में, उस कंपनी की कमर टूट गई है। क्यों? डेट जब अच्छा समय चल रहा होता है तब डेट चुकाने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो डेट आसानी से चुकता ही है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है कंपनी का तो डेट से जाने वाला इंटरेस्ट डेट को चुकाने के लिए, वो तो आपको देना ही है चाहे आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो या ना। इसलिए एक निवेशक के तौर पर आपका कहना है कि अगर किसी भी कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं अपने निवेश के लिए, तो सबसे पहला नियम है कि उस कंपनी का डेट फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी आपको पसंद आती है और वो डेट फ्री नहीं है, तो ये ध्यान रखिए कि कम से कम उसका डेट उसके कैश रिजर्व या इक्विटी से बहुत कम हो। मतलब डेट फ्री होने का मतलब यही है कि मिनिमम डेट हो। लेकिन अगर किसी भी कंपनी में डेट लगातार बढ़ता जा रहा है कंसिस्टेंटली या फिर इनकंसिस्टेंटली भी, तो ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहिए। फ्रेंड्स, आप इतिहास उठाइए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए मार्केट के अंदर, आपको पता चलेगा कि उन्हीं कंपनियों की हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई है मार्केट में, जिन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा डेट पर भरोसा किया और जो सबसे ज़्यादा डेट पर चली। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, विशाल जी का कहना है कि सबसे पहला नियम आपका होना चाहिए किसी भी कंपनी में बाय करते समय कि कंपनी का डेट फ्री होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कंपनी डेट फ्री नहीं है तो डेट बहुत मिनिमम होना चाहिए या डेट बढ़ते नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इस पहले नियम का ध्यान रखते हैं तो मार्केट के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में रहता है। देन सेकेंड चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रांग बैलेंस शीट। विशाल जी का कहना है कि किसी भी कंपनी का एक्सरे होता है बैलेंस शीट। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखना जानते हैं तो आप अच्छी तरह से बैलेंस शीट देखते ही ये समझ सकते हैं कि कंपनी निवेश के लायक है या नहीं। अब बैलेंस शीट कैसे देखी जाए, उसके लिए फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको 15 वीडियोस दिए हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। इन वीडियोस को आप देखिए, सिर्फ 15 वीडियोस हैं, 10 मिनट्स का एक वीडियो है, इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी कंपनी में। बैलेंस शीट एनालिसिस अगर आप सीख जाते हैं तो एक कंपनी की बैलेंस शीट एनालिसिस करने में आपको, ओवरऑल पूरी एनालिसिस करने में आपको 45 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। अगर आप किसी कंपनी में बहुत डिग डीप स्टडी करना चाहते हैं तो विशाल जी कहते हैं कि ये कंपनी को स्टडी करने के लिए 2 दिन सफिशियंट हैं, कि वो कंपनी निवेश के लायक है या नहीं ये जानने के लिए 2 दिन सफिशियंट हैं। तो अगर आप उसकी सतही इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 45 मिनट्स के अंदर आप बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ बेहद खास बातें होती हैं, जैसे बैलेंस शीट ही आपको ये बताती है कि कंपनी के शेयर्स ज़्यादा लिक्विडेट तो नहीं किए जा रहे हैं। बैलेंस शीट से ही आपको ये पता चलता है कि कंपनी की जेब में कैश रिजर्व कितना है, कंपनी के पास पैसा है या नहीं है चलाने के लिए कंपनी को। सेकंड, बैलेंस शीट से ही आपको ये पता चलता है कि कंपनी के पास कितना डेट है, उधार तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बैलेंस शीट ही आपको ये बताती है कि करेंटली कंपनी अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी के पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का मिसमैच तो नहीं है। बैलेंस शीट से ही ये पता चलता है कि कहीं कंपनी का जो बनाया हुआ सामान है वो इन्वेंट्री के तौर पर बहुत ज़्यादा ढेर तो नहीं हो रहा है, सामान लगातार लोग खरीद रहे हैं या नहीं। और बैलेंस शीट से ही आपको ये पता चलता है कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, जो लगातार बढ़ रही हो तो अच्छा, अगर घट रही है तो फिर आपके लिए सावधान होने की ज़रूरत है। इसीलिए विशाल खंडेलवाल जी बहुत जोर देते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो सिर्फ शेयर के रेट देखकर शेयर को खरीदता और बेचता है, तो वो आरकॉम का रेट 12 रुपये देखकर उसे खरीद सकता है, बट जो बैलेंस शीट देखना जानता है वो एक झटके में बैलेंस शीट देखते ही ये कह देता है कि ये कंपनी कचरा है, इससे दूर रहो। और हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो से कचरा ही हटाना है। सेग्रीगेशन का तरीका यही है ना, अच्छा फल आप कब खरीदते हैं, मार्केट में अच्छा फल खरीदने का तरीका यही है कि जिस जगह पर कचरा मिल रहा है वहां से पहले अलग हटो, जहां अच्छा सामान मिल रहा है उस अच्छे सामान के बीच में से अच्छा सामान सेलेक्ट करो, जो सबसे बेहतर हो उसे खरीद लो। यही तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का भी, और इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए आपको जानना जरूरी है बैलेंस शीट।
इसीलिए विशाल खंडेलवाल जी सेकंड जो इम्फेसिस देते हैं वो है बैलेंस शीट पर। कंपनी की स्ट्रांग बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आज तक आप सिर्फ कंपनी का शेयर प्राइस देखकर खरीदते रहे हैं शेयर्स, तो करंट मार्केट में सावधान होने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो कंपनियाँ जो ओवर प्राइज्ड हैं या जिनके साथ में फंडामेंटल्स इशू हैं, बहुत बुरी तरह से गिरेंगी मुंह के बल। और ये वो सही समय है जब आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से फॉर्म कर सकते हैं। नए निवेशक अपना नया पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बना सकते हैं, पुराने निवेशक अपने पोर्टफोलियो को रीमैनेज कर सकते हैं। कैसे? इस जानकारी के साथ में कि अब आप बैलेंस शीट्स देखना शुरू कीजिए कंपनी की। ओके, थर्ड और बेहद इंपॉर्टेंट वो है रिटर्न ऑन कैपिटल, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही खास है। क्वेश्चन ये है कि आखिर ROCE होता क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? हर कोई बता देता है बट समझाता कोई नहीं है, और फाइनेंस की लैंग्वेज इतनी कठिन है जो समझ में आती नहीं। तो हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। इनिशियल स्टेज में जब बिजनेस शुरू किया जाता है तब तो पैसा जो उसके निवेशक हैं, जो लोग शुरू करते हैं ना बिजनेस, वो अपना पैसा लगा देते हैं। अब बिजनेस को और बढ़ाना है आगे, पैसा कहाँ से आए? एक तरीका है, बैंक में चलते हैं और 50 रुपये लोन ले लेते हैं। बैंक वाला 50 रुपये लोन दे देता है, बिजनेस और आगे बढ़ाना है। आप फिर जाते हैं बैंक के पास में और उससे कहते हैं 50 रुपये और लोन चाहिए। वो कहता है हम और लोन नहीं देंगे, पैसा तो चाहिए, कहाँ से आएगा? तो BSC या NSC वो कहती है कि ऐसा करो, 100 शेयर्स तुम्हारे पास में है ही 100%, 50 शेयर मार्केट में डाइल्यूट कर दो, यानी IPO ले आओ, 1-1 रुपये का एक शेयर मार्केट में बेच दो 50 लोगों को, 50 रुपये तुमको मिल जाएंगे। आप कहते हैं बहुत ही अच्छा सौदा है ये। आप IPO ले आते हैं और 50 शेयर मार्केट में बेच देते हैं, तो मार्केट से आपको मिल गए 50 रुपये, और एक साल पहले जो बैंक था उसने आपको 50 रुपये दिए थे, तो टोटल आपके पास में जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 100 रुपये। अब क्वेश्चन है कि इस पर आप हर साल कितना रिटर्न जनरेट करते रहते हैं, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट आता है उसका आप एवरेज निकालते हैं कि इतना जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी लगी हुई है इस पूरे को, यानी कि बैंक के लोन को प्लस मार्केट से जो आपने पैसा उठाया है, इस पूरे को एक बार में कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मान लीजिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड 100 है, 100 रुपये, ठीक है, 50 रुपये बैंक ने दिए, तो 50 रुपये आपने मार्केट से उठाए लोगों को अपने शेयर्स बेचकर, 100 रुपये हो गए। अब आपका नेट प्रॉफिट आता है मान लीजिए 10 रुपये, पूरे साल आपने अपना बिजनेस चलाया उस पर नेट प्रॉफिट आया 10 रुपये, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना बना? 10%। 100 रुपये थी कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर 10 रुपये आपने रिटर्न जनरेट किया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बना 10 रुपये। अब जरा ये सोचिए कि आपके सामने दो कंपनियां हैं, एक कंपनी जो कि 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है और दूसरी कंपनी जो कि 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है। इसका मतलब कि दूसरी कंपनी ज़्यादा इफिशियंट है पहली कंपनी से। इसलिए अगर दो कंपनियां आपके सामने हैं तो निवेश के लिए आपको दूसरी कंपनी चुननी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा एक निवेशक के तौर पर आप बिजनेस को दे रहे हैं ना, आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस बिजनेस वाले को पैसा देते हैं, बिजनेसमैन को, कि ये रहा पैसा, तुम्हारे 100 शेयर हमने खरीदे हैं, इस पैसे का इस्तेमाल करो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। उस पैसे को कितनी अच्छी तरह से बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है और उस पर कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, ये तय करता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए विशाल खंडेलवाल जी कहते हैं कि कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि कंपनी का रिटर्न एम्प्लॉयड अच्छा होना चाहिए। अच्छा कितना? जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्यों? जो बैंक से लोन ले रखा है ना आपने 50 रुपये, उस पर भाई आपको 8-10% का तो ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। तो 10% अगर आप अपने टोटल से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और 10% आपको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, तब तो समस्या है। तो इसका मतलब है कि रिटर्न आपका अच्छा खासा जनरेट होना चाहिए ताकि बैंक का लोन चुक जाए और लोन चुकने के बाद आपकी जेब में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बचे, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखिए, इसीलिए विशाल खंडेलवाल जी ने जोर दिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ये न केवल आपको ये बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, बल्कि दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने में भी आसानी करता है, और बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर आप कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की इफिशियंसी दर्शाता है कि भाई मेरा 100 रुपया लेकर अगर एक कंपनी 10 रुपये पैदा कर रही है और दूसरी कंपनी मेरा 100 रुपया लेकर 20 रुपये पैदा कर रही है, तब तो मैं 20 रुपये वाली कंपनी को खरीदूंगा ना, अगर बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा कि कितने निवेश पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, ये तय करता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी मेहनत पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए हमेशा उन कंपनियों के पीछे जाइए जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिटेबल, अच्छा और हैंडसम हो। देन कम्स प्रमोटर्स इफ डाइल्यूटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फोटोग्राफ आपको दिख रही है, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, और इस बारे में बहुत मशहूर कोट है वॉरेन बफे जी का भी, उनका कोट है कि अगर इक्विटी कैपिटल बढ़ रही है तो ऐसी कंपनियों से सावधान हो जाइए। यानी कई बार आपने सुना होगा, ये सारे टर्म्स कठिन तो नहीं लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, सुनिए ध्यान से।
कई बार आपने सुना है कि कंपनीज बायबैक करती हैं, ठीक है ना। बायबैक में क्या करती है कंपनी, मार्केट में अगर हमने वही पुराना वाला टाइम कि जब हमको मार्केट में गए थे और हमने 50 शेयर अपने बेच दिए थे लोगों को, अब हमें यह लगता है एज ए मैनेजमेंट, एज ए प्रमोटर, हमको यह लग रहा है कि कंपनी हमारी स्ट्रांग हो गई है, पैसा भी हमारे पास अच्छा खासा आ गया और हमारी कंपनी भविष्य में और अच्छा काम करेगी। तब हम क्या करते हैं, हम मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीद लेते हैं कि कहीं कोई दूसरा आदमी आकर ज़्यादा शेयर्स खरीद कर हमारी कंपनी पर कब्जा ना कर ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीदते रहते हैं। लेकिन अगर एज ए प्रमोटर हमको पता हो कि जिस कंपनी के हम प्रमोटर हैं इस कंपनी की हालत ख़राब है, अंदरूनी खबर हमको ज़्यादा रहती है बजाय आम पब्लिक के, और हम धीरे धीरे अपने शेयर्स मार्केट में और बेचते जाएं, इसका मतलब है कि प्रमोटर्स कंपनी से भाग रहे हैं, अपने शेयर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर प्रमोटर कंपनी से भाग रहे हैं तो ऐसी कंपनी से सावधान होने की ज़रूरत है आपको। अगर प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस डाइल्यूट कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि प्रमोटर्स का कंपनी से जाना और कंपनी में प्रमोटर्स का ना होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपको प्रमोटर्स जीरो मिलेंगे, उसकी वजह यह है कि देश के रूल के मुताबिक अगर किसी के पास में 3% या 5% से कम है तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए कंपनी को थोड़ा सा डिग डीप कीजिए, ऐसा ना हो कि आपको जीरो प्रमोटर दिखे और आप समझें कि कंपनी में कोई प्रमोटर ही नहीं है। नहीं, प्रमोटर्स कंपनी से भाग रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन अलग है, कंपनी के पास प्रमोटर्स नहीं है ये इन्फॉर्मेशन अलग है। तो अगर प्रमोटर्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं कंपनी के अंदर तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, और अगर प्रमोटर्स कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से कंपनी से भाग रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल कंपनी से दूर रहना चाहिए। इसके लिए खंडेलवाल जी का कहना है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर प्रमोटर्स कंपनी से जा रहे हैं तो ऐसी कंपनी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर शेयर्स में रेगुलर बायबैक होता रहता है, प्रमोटर्स और ज़्यादा शेयर्स को ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज़ को आपको हमेशा अपने रडार पर रखना चाहिए। ये वो कंपनीज़ हैं जिनमें आपको निवेश के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, सबसे आखिर और सबसे मज़ेदार यह है फ्रॉड मैनेजमेंट। इंटरव्यू के दौरान राजीव जी से पूछा गया कि ये बताइए कि फ्रॉड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर क्या करता हूं कि अगर मैनेजमेंट के पास में किसी तरह की कोई समस्या रही है इससे पहले, मैनेजमेंट बोर्ड में अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इससे पहले इंटीग्रिटी का इशू रहा है, यानी उस आदमी के अगेंस्ट में कोई फ्रॉड केस, किसी तरह के गबन का केस, कुछ भी ऐसा जो गलत चल रहा है, तो मैं ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहता हूं। तो उनसे पूछा गया कि आप पता कैसे लगाते हैं ये, तो उन्होंने कहा मैं सिंपल उस आदमी का नाम गूगल पर सर्च करता हूं और उसके साथ सर्च करता हूं फ्रॉड केस, यानी कि जैसे आदमी का नाम एक्स वाई जेड फ्रॉड केस। तो अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैनेजमेंट के किसी आदमी के खिलाफ अगर कोई फ्रॉड केस हो रखा है तो मैं ऐसी कंपनी में बिल्कुल हाथ नहीं डालता। जैसा कि वॉरेन बफे जी ने कहा था कि इंटीग्रिटी एक ऐसा हैबिट है जिसे आपको चीप लोगों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफे जी का एक और इम्पॉर्टेंट कोट है जिसके अंदर है कि एक इंसान में तीन चीज़ें देखनी चाहिए, इंटीग्रिटी, हार्डवर्क और पैशन। अगर उस इंसान में इंटीग्रिटी नहीं है तो बाकी दो क्वालिटीज़ की बिल्कुल चिंता मत करो, दो क्वालिटीज़ उसके अंदर चाहे जितनी हो, पैशन और हार्डवर्क चाहे जितना हो, अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई आदमी की तो फिर उस आदमी से दूर रहना है। सेम वही चीज़ कहना है खंडेलवाल जी का भी कि अगर मैनेजमेंट के अगेंस्ट में किसी तरह का कोई इशू है, आपको पता है कि उसका नाम किसी तरह की FIR में, किसी फ्रॉड केस में अगर आ गया है, या कहने का मतलब है कि एक टर्म में अगर कहा जाए तो ये समझिए कि कंपनी के पास अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई इशू आ गया तो ऐसी कंपनी से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। ये वो कंपनीज हैं जिनके साथ लेटर ऑन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसलिए ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहिए। इन कंपनीज में कभी भी आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आमतौर पर इस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, गूगल हमेशा इन कामों में आपकी मदद करता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्किंग कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग कैपिटल का असल में मतलब क्या, देखिए ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना, ये फाइनेंशियली बहुत कठिन लगते हैं देखने में, लेकिन जब इनके बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझा दिया जाए तो आपको बहुत आसान लगने लगते हैं। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि मैं कंपनी में कोई सामान बनाता हूँ तो रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदता हूँ, यानी मान लीजिए कि अगर मेरी कंपनी में टायर बनता है तो मैंने रबर खरीदी 100 रुपये अपने लगा दिए, वहाँ से लेकर फिर मैंने टायर बनाया, फिर टायर बनाने के बाद टायर मेरे स्टोर रूम में पड़ा रहा, स्टोर रूम में पड़े रहने के बाद जो बेचने वाला है वो उसको लेकर गया दुकान पर, उसने बेचा और फिर आखिर में मेरे पास में पैसा वापस आया, कब, पूरे प्रोसेस में करीब 3-6 महीने लग गए। तो इस 6 महीने के दौरान मेरा जो ये 100 रुपया इंगेज रहा है ना पूरे टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल।
ना कुछ धंधे ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां ये वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने कई बार सुना होगा इसको क्या कि किसी बैंक में अगर एनपीए हो गया है तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो बैंक का मैनेजमेंट है वो कहीं किसी के साथ में डिस्कशन कर रहा है, या किसी फॉरेन निवेशक को ढूंढा जा रहा है और वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। जैसे जेट एयरवेज के साथ में बहुत बार किस्सा आया था कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल डालने के लिए जेट एयरवेज के अंदर बात चल रही है एतिहाद के साथ में, या एनपीएस जब हो जाता है ना बैंकों का तो बैंकों में जो एडिशनल पैसा डाला जा रहा है, गवर्नमेंट जो एडिशनल पूंजी डाल रही है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वर्किंग कैपिटल। राजीव जी का कहना है कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर ये वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार 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 वर्किंग कैपिटल डालना पड़ता है, ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। कौन सी कंपनीज होती हैं ये? पीएसयू बैंक्स, वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जिनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल उनकी पॉजिटिव में आ रखी है, ठीक है ना, उनको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जो पुराना पैसा लग चुका है एक बार उसी के साइकिल से वो कमा रही है। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, इंफोसिस, ये सारी कंपनीज हैं। तो हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां हैं उनसे हमेशा दूर रहिए। और वर्किंग कैपिटल आप निकाल कैसे सकते हैं? सिंपल बैलेंस शीट खोलिए, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है ना। सो हमेशा स्ट्रांग कंपनीज ढूंढिए जिनको बहुत ज्यादा एडिशनली वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार जिनमें बाहर से पैसा डालने की जरूरत ना पड़े ऐसी कंपनीज ढूंढिए, जिनके शेयर्स बार बार लिक्विडेट करने की जरूरत ना पड़े, बार बार ऑफर फॉर सेल ना लाना पड़े, बार बार शेयर्स ना बेचने पड़े, बार बार लोन ना उठाना पड़े, ऐसी कंपनीज ढूंढिए। अगर आपको पता चल रहा है कि कंपनीज को वर्किंग कैपिटल की बार बार जरूरत पड़ रही है, मार्केट से बार बार लोन लेना पड़ रहा है, सतर्क हो जाइए, कंपनियों से रहिए दूर। और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? और बैलेंस शीट में कैश रिजर्व देखिए कंपनी का। जिन कंपनियों को बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती रहती है ना बार बार, उन कंपनियों का कैश रिजर्व बहुत कम रहता है। तो जिस कंपनी का कैश रिजर्व बहुत ज़्यादा है उसे वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसी कंपनीज को हमेशा चुनिए। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप समराइज करना चाहें एक जगह पर तो ध्यान से देखिए कि वो क्या होंगे। कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पहले से ही पता थी। डेट फ्री कंपनी होगी उतनी बढ़िया होगी। बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, जाहिर है कि अगर डेट नहीं होगा कंपनी में तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी ही। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं, बिजनेसमैन को आप जितना पैसा दे रहे हैं उस पैसे पर भाई कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, बिजनेसमैन से ये भी तो पूछना आपका काम है। देन प्रमोटर्स कहीं भाग तो नहीं रहे, हमको फंसा के और अपना निकले तो नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक कितना है। देन मैनेजमेंट फ्रॉड तो नहीं है कहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा ये चेक करते रहिए कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, मैनेजमेंट जो भी है वो कैसा है। और सबसे लास्ट वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल के लिए खंडेलवाल जी ने कहा था कि ये असल में गाड़ी का फ्यूल है, किसी भी बिजनेस का फ्यूल है। अगर किसी बिजनेस में बार बार फ्यूल डालने की जरूरत पड़ रही है और दूसरा एक बिजनेस है जो एक ही बार फ्यूल डाला और लंबे समय तक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी है जिसमें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इस गाड़ी का एवरेज कम है, तो वर्किंग कैपिटल को वो बेसिकली फ्यूल कहते हैं। सो ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी में फ्यूल डालने की बार बार जरूरत पड़ रही है तो ऐसी गाड़ी से रहना है दूर। तो ये था फ्रेंड्स विशाल खंडेलवाल जी की जिंदगी पर आधारित जो भी उनके नियम हैं, निवेश के नियम, उन नियमों पर आधारित एक पूरा का पूरा सेशन। उम्मीद है कि न सिर्फ ये सेशन आपको पसंद आया होगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल होगा। अगर ऐसा है फ्रेंड्स और ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं सो वीडियोस को लाइक करते रहिए और इन वीडियोस से सीखिए ज़रूर। जो भी सीख आपको मिल रही है इन वीडियोस से, इन सीख को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रीशफल करने में इस्तेमाल कीजिए। और भविष्य में नए शेयर्स ढूंढने से पहले जो भी ये मार्केट गुरु बताते हैं इन गुरुओं की बात सुनना और उसके बाद उसे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि न केवल आज का ये सेशन आप लोग को पसंद आएगा फ्रेंड्स, बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।